कर्नाटक चुनाव के परिणाम और उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनावों के परिणाम के बाद भाजपा ने अपनी खास रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत बीजेपी ने विधायकों और टिकट चाहने वालों को भोपाल की दौड़ लगाने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने जिला मुख्यालय को क्षेत्र छोड़ने की जानकारी देने के लिए ताकीद किया है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कर्नाटक चुनाव के परिणाम के बाद भाजपा का प्लान, बीजेपी ने लगाई विधायकों की भोपाल दौड़ पर रोक, भोपाल न आए विधानसभा में मैदान में रहे बीजेपी, बहुत जरूरी काम होने पर ही आए राजधानी बीजेपी, जिला मुख्यालय छोड़े तो पार्टी को करे सूचित बीजेपी। बीजेपी का फोकस पूरी तरह से क्षेत्र में पकड़ बनाने को लेकर है, इसीलिए बीजेपी ने विधायकों को भोपाल के चक्कर लगाने की बजाय अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने के निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि बीजेपी ने साफ किया है कि कार्यालय बैठकों संपर्क और संवाद के लिए है। देखिए कर्नाटक के परिणाम के साथ उत्तर प्रदेश के भी परिणाम आए हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी केवल मेजोरिटी से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त करा दी, 17 की 17 महापौर जीत कर लाए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो परिणामों से कभी डरता नहीं, वो चरण वंदना नहीं करता, वो कार्यालयों के चक्कर नहीं काटता। ये परंपरा कांग्रेस पार्टी की परंपरा है कि माननीयों की चरण वंदना करना, परिवार की पूजन करना, 2-3 व्यक्तियों का ही नाम लेना। हम 24 घंटे फील्ड पर रहते हैं, 365 दिन जनता के समक्ष जाते हैं और सप्ताह में 7 दिन जनता के लिए कार्य करते हैं। कार्यालय बैठकों के लिए है, कार्यालय संपर्क के लिए है, कार्यालय संवाद के लिए है और चुनाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के कोई निर्देश नहीं दिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के समक्ष रहता है, अपने विकास की योजनाओं को लेकर 365 दिन 24 घंटे सप्ताह में 7 दिन। ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर है कि कार्यालय के चक्कर काटना, व्यक्ति की पूजा करना, परिवारवाद को आगे बढ़ाना और परिवार में 2-3 लोगों को ही माननीय और सम्मानीय समझना। भाजपा के निर्देश पर कांग्रेस भी तंज कसती नजर आ रही है। उनका कहना है कि कर्नाटक चुनाव के परिणामों से डरकर भाजपा को यह कदम उठाना पड़ा है। इस बयान में जो भाजपा ने निर्देश दिए हैं उसी से साफ जाहिर है कि मध्य प्रदेश में पिछले 18-19 साल में शिवराज सिंह के सरकार के मंत्री हों या विधायक हों, वो क्षेत्र में नगण्य रहते थे, मुंह मोड़े रहते थे, भोपाल के अपने एसी रूमों में बैठकर वो जनता के बीच जाने से बचते थे। निश्चित ही अब भाजपा चाहे जिस तरह के निर्देश दे दे कि वो पार्टी से पूछे बगैर क्षेत्र ना छोड़े, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने ये मानस पहले ही बना लिया था और अभी जो हाल में कर्नाटक के परिणाम हैं वो भी इस ओर इंगित करते हैं कि मध्य प्रदेश से भाजपा के सरकार की और भाजपा के विधायकों की क्षेत्र से विदाई दे है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी अब सर्वे रिपोर्ट, कामकाज और छवि समेत अन्य साधनों के आधार पर विधायकों के भविष्य का फैसला करेगी और प्रत्याशी चयन में भी इसी को पैमाना माना जाएगा, जिसके चलते उन्हें अब की बार सख्त निर्देश देना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।